मैरिज नीश, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है पाइथन के ऊपर। आज हम लोग ये सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए जो हम लोग इंटरप्रेटर इस्तेमाल करते हैं, आईडीई इस्तेमाल करते हैं, बहुत वो कमांड प्रॉम्प्ट से उसे रन करा देते हैं, बहुत बार लोग विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज़ करते हैं, तो तरह तरह के तरीके हैं। ओके, एक बिगनर के लिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती हैं, वो सब चीज़ उनके दिमाग में पूरा मिक्स हो जाता है और वो कन्फ्यूज़ होकर और होपलेस हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अभी तो फिलहाल आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं हूँ, अगर आपने इस प्रॉब्लम को जानने के लिए मेरे इस वीडियो को देखा है तो क्लियर। तो पाइथन इंटरैक्टिव, जैसे देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखें, मैंने वहाँ पर बताया है कि प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे मैंने पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करना सिखाया था, वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिया था। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सीएमडी लिखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करिए, क्लियर, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। आप यहाँ जाकर जैसे आप पीवाई लिखते हैं तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर लॉन्च हो जाता है और वो एक इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है इस कमांड प्रॉम्प्ट में, ताकि आप पाइथन के प्रोग्राम को रन करा सकें। यहाँ जाकर आप पाइथन का कोई भी कोड लिखते हैं, एक वैलिड कोड, तो ये आपको एक मैसेज स्क्रीन पे मिल जाएगा, जैसे प्रिंट हेलो, तो ये हेलो डिस्प्ले हो गया, क्लियर। ये तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हो गया, आप इसे बंद कर दें। अच्छा, अब आप जाकर अगर मान लीजिए आईडीएलई लिखते हैं, आईडीएलई लिखने के बाद ये देखिए, ये आईडीएलई पे क्लिक करने के बाद आपका पाइथन शेल ओपन हो जाएगा। जैसे ये पाइथन शेल ओपन होगा, यहाँ पर मैं इसे छोटा मिनिमाइज कर देता हूँ, और ये देखिए ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा पाइथन शेल। ये क्या है? ये पाइथन शेल है, बिल्कुल उसी तरीके से ये दिख रहा है जहाँ पर मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन किया था। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है, पाइथन का वर्जन है, किस महीने में किस दिन कब ये लॉन्च हुआ था, बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन देता है ये। और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट है, ब्लिंक कर रहा है, बोला है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो, कुछ कमांड दो पाइथन का, मैं रन करा के आपको दे दूँगा। वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्लियर। ओके, मैं आप यहाँ पर जाके पाइथन लिखता हूँ, पाइथन जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है ना, मैं उसे लिखूँगा। तो मैं यहाँ जाकर इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, सॉरी पी वाई, तो मैंने ये पी वाई दिया, तो ये देखिए पाइथन 3.8। जैसे आप इसे लॉन्च कर दिए, आपका पाइथन इंटरप्रेटर डायरेक्टली लॉन्च हो गया, जो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यहाँ पे किए थे पी पाइथन लिख के, क्लियर। वही काम आप डायरेक्टली यहाँ पे कर दिए, ये आपका लॉन्च हो गया पाइथन इंटरप्रेटर, क्लियर। यहाँ पर आप पाइथन का कोड रन करा सकते हैं, पाइथन शेल में भी आप पाइथन का कोड रन करा सकते हैं, बट पाइथन इंटरप्रेटर में और पाइथन शेल में ये जो इंटरप्रेटर है, ये देखिए ये भी इंटरएक्टिव मोड है और ये भी इंटरएक्टिव मोड है। बस फर्क इतना है कि आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखते हैं वो वाया इसके थ्रू होके ही जाता है, क्लियर। तो ये बस एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया है पाइथन इंटरप्रेटर को एक्सेस करने के लिए, क्लियर। तो पाइथन इंटरप्रेटर को एक्सेस करने के लिए आप पाइथन शेल में जाकर, ये इसको हम लोग पाइथन इंटरएक्टिव मोड भी बोलते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो आप इसे पाइथन इंटरएक्टिव मोड समझिए, क्लियर। समझिए क्या मतलब आपको पाइथन इंटर, ये पाइथन इंटरएक्टिव मोड है। और अगर आप फाइल में जाकर, फाइल में जाके न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं, तो ये जो मोड आपका खुलता है ना, ये मोड होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पाइथन की पूरी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, जो भी चाहे आप वो काम कर सकते हैं, वैलिड काम। ओके, पर यहाँ पर आप ये सब नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको सिंपली जाकर कोई टाइप करना है कमांड, तो उसे जाकर आप वापस से एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ये इंटरेक्शन करने के लिए, पाइथन इंटरप्रेटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए काम में आता है पाइथन शेल। और इसे यूज़ न करके आप डायरेक्टली पाइथन इंटरप्रेटर को ही यूज़ कर लीजिए, क्लियर, या ये यूज़ करिए, तो अब आप लोग का शायद कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो इसको लेके आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, इन केस अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन, हेलो पाइथन इन इंटरएक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड एंड पाइचाम। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो मैं फिलहाल अभी, ये तो मैं आपको पाइथन शेल में बता दिया कि कैसे लिखना है, प्रिंट हाई, आप मैसेज चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है हेलो पाइथन। अब हम लोग इंटरेक्टिव मोड हो गया, अब मैं स्क्रिप्ट मोड में से रन कराता हूँ। तो मैं न्यू फाइल में क्लिक करता हूँ और मैं इस न्यू फाइल के अंदर जाके सिंपली जाके लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट जाके मैं लिखूँगा हेलो पाइथन, क्लियर। अब इसे सेव करना होगा ना, तो सेव करने के लिए मैं इसे सेव कहाँ करूँ? तो मैं जहाँ पे अपना सारा काम कर रहा हूँ मैं वहीं पे सेव करूँगा। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम मैं दे दूँगा पाइथन प्रोग्राम, ओके पाइथन लेक्चर्स। तो मैं यहाँ पे पाइथन लेक्चर्स के अंदर जाके मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मैं इस, क्योंकि मैं ये लेक्चर 4 है शायद मेरा ये, तो मैं लेक्चर 4.py इसका नाम दे देता हूँ, लेक्चर 4.py,
क्लियर। अब मैं यहाँ जाकर रन, रन पे रन मॉड्यूल F5, F5 दबाएंगे तो भी हो जाएगा। तो ये मेरा हेलो पाइथन स्क्रीन पे आ गया, क्लियर। अब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को पाईचार्म के थ्रू करूँगा। तो ये मेरा पाईचार्म देखिए ओपन है, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ चलकर मैं काम करता हूँ, न्यू के अंदर जाके एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी बनाता हूँ। डायरेक्टरी का नाम, ओके मुझे डायरेक्टरी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डायरेक्टरी होगी, ये पाइथन लेक्चर्स, क्लियर। यहाँ पे जाके देखिए ये लेक्चर 4.py है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर न्यू में जाऊँगा और मैं पाइथन फाइल पे क्लिक करूँगा, लेक्चर 4_2.py। डॉट नहीं देने का ज़रूरत है, बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, प्रिंट, प्रिंट में जाके आपको यहाँ पे लिखना है हेलो और इसे सेव कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे रन कराना है। तो रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करिए, रन लेक्चर 4_2। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन में देखिए नीचे में आपको यहाँ पर एक आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, क्लियर। ये देखिए ये आउटपुट आया आपका, क्लियर। और यहाँ पर भी जाके आप टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ये भी एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसा टर्मिनल प्रोवाइड करता है, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, और कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए कोई भी प्रॉब्लम है। अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।